तो भैया फाइनली लिटरल 8 महीने बाद आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड के कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं उस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें बावरी के कारण जेठालाल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और उस कारण से गुस्से में जेठालाल बावरी को दुकान में आने से परमानेंटली मना कर देता है। अगर वो आई तो वो बाघा को नौकरी से निकाल दे, लेकिन बावरी भी ठान लेती कि मैं दुकान आके ही रहूंगी, और वो डेली भेस बदल के जेठालाल की दुकान घुस जाती है। तो आई थिंक अब आपको स्टोरी याद आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं भी आई है तो इस स्टोरी से रिलेटेड 2-3 एपिसोड्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसपे क्लिक करके आप फुल एपिसोड बहुत ही आसानी से देख सकते हो। कल बावरी ने तुझे शो विचार दिया, तूने तुरंत लिख डाला, आज मैं दे रहा हूं तो मना कर रहा है, ये तो भेदभाव ही हुआ ना। जेठालाल बोलते हैं कि कल जब बावरी ने तुझे सुविचार दिया था तो तूने लिख दिया, और आज मैं दे रहा हूं तो मुझे मना कर रहा है। बट एक्चुअली बावरी ने भेड़े को सुविचार कल नहीं बल्कि परसों दिया था, उस इंस्टांस को 2 दिन हो चुके। बावरी जब पहले दिन मारवाड़ी लेडीज बन गई थी उस दिन उसने सुविचार दिया था, और उसके अगले दिन भी वो बन गई थी, और आज तीसरा दिन, इसका मतलब 2 दिन हो चुके। तो जेठालाल को ऐसा बोलना चाहिए था कि परसों तूने बावरी की बात मान के सुविचार लिखा था तो आज मेरी बात मान। यहाँ पे बावरी एकदम अलग ही जिद में आ जाती कि मेरे को डेली आपसे मिले बिना चैन नहीं आता, तो मैं डेली दुकान आके ही रहूं। नहीं, पहले तो इतना नहीं था बावरी को डेली मिलने का, पहले तो डेली आती भी नहीं थी, और रात में तो मिलते ही है ना ये लोग। और चल बावरी को बाघा को डेली दोपहर में मिलना ही है, तो बाघा कई बार दुकान के काम से बाहर भी जाता है। फॉर एग्जांपल कभी बैंक वगैरह के काम से जाता है, कभी टीवी वगैरह फिट करने जाता है कस्टमर के घर, तब भी तो ये बाघा से बाहर मिल सकती है 5-10 मिनट के लिए बहुत आसानी से। और चल ये भी है, अगर इसको दुकान में ही मिलना है कि नहीं मुझे बागेश्वर जी से दुकान में ही आके मिलना है, तो लंच टाइम में भी तो आके मिल सकती है। मतलब जेठालाल को आधा 1 घंटा का लंच टाइम देता ही होगा, उस समय आके मिल ले। अगर ये दोनों जेठालाल के सामने ये रिक्वेस्ट रखते कि लंच टाइम में मैं आधा घंटा बागेश्वर जी से मिलना चाहती हूं, उनके साथ खाना खाना चाहती हूं, तो आई थिंक जेठालाल मना नहीं करता। लेकिन नहीं, ऐसा तो हम करेंगे नहीं, वरना एपिसोड्स आगे कैसे बढ़ेंगे। क्या देख रहे हो आप? बागा भाई की मंगेतर बावरी जी है ना। यहाँ पर ये चाय वाला बावरी को देख के एक बार में पहचान जाता है कि ये बावरी है। फिर ये बावरी को जाके पूछता है कि आप बावरी जी हो ना बागेश्वर जी की मंगेतर, फिर ये मना करती कि नहीं। तब ये और भरोसे से बोलता है कि नहीं आप बावरी ही हो, मैं जानता हूँ आपको, मैं पहचान गया। नहीं मतलब भैया, इसने लिटरल बावरी को 2 दिन सिर्फ अंदर बाहर आते जाते देखा है, वो भी दूर से, और सिर्फ इतने में इसने बावरी को एकदम पहचान भी लिया कि ये बावरी ही है। मतलब वाह। जब पहले दिन बावरी बेस बदल के दुकान के अंदर गई थी, तब जब तक बावरी ने बाघा को भी नहीं बताया था कि मैं बावरी चूं, बाघा को भी नहीं पता चला, और अगले दिन जब तक नट्टू काका को भी ये लोग नहीं बताए थे, तब तक उनको भी नहीं पता चला था कि ये बावरी है। और इसने लिटरल अपने टपरी में बैठे हुए बावरी को दूर से आते जाते देख के ही पहचान लिया कि ये बावरी है। नहीं गजब यार। और चला तेरे को पता चल ही गया था कि ये बावरी है, तो जाके जेठालाल को बता नहीं सकता था कि बावरी ही है ये जो आपकी दुकान में घुसती है डेली। अब आप बोलोगे कि ये जेठालाल की मदद क्यों ही करे, तो भैया 2 दिन पहले इसने जेठालाल से चाय का हिसाब मांगा था क्योंकि इसको अर्जेंटली गांव पैसे भेजने, और जेठालाल ने बिना सोचे समझे से 2,000 रुपए दे दिया था जिद करके। तो अब इसका फर्ज नहीं बनता कि ये जाके जेठालाल को बता दे कि ये बावरी है जो वेश बदल बदल के बार बार आ रही है। बात तो सही है। यहाँ पर बाघा और नट्टू काका इन दोनों लेडीज के थोड़ा साइड में लेकिन बिल्कुल पीछे खड़े हुए, लेकिन बिल्कुल थोड़ी देर बाद जब ये लेडीज अपने चेहरे से ये पल्लू हटाती है, तो बाघा को देख के एक सेकंड के अंदर ही पता चल जाता है कि बावरी है ही नहीं, जबकि जहाँ पे वो खड़ा है उसको तो उनकी शक्ल भी नहीं दिख रही हो। मतलब अगर शक्ल ही नहीं दिख रही है तो बाघा को एकदम इंस्टेंट पता कैसे चला कि ये बावरी है ही नहीं। तो भैया ये वीडियो तो यहीं पे समाप्त होती है, बाकी आपकी इन सभी मिस्टेक्स पे क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी जिसको जिसको जितनी गालियां देनी है सब नीचे कमेंट्स में दे दो भैया, मैं सब गालियां सुन लूंगा, मेरे को पता है मैं बहुत ज्यादा लेट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में, पता नहीं कब आएगी, नहीं कुछ नहीं।